जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। SES Academy के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हमारे इस YouTube चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक लेक्चर श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर श्रृंखला में हम रोजाना मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी 25 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और रोजाना एक एक करके जब हम 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो आने वाली परीक्षाओं तक आपका एक अच्छा क्वेश्चंस का भंडार तैयार हो जाएगा जो एग्जाम में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो लगातार बने रहिए इस लेक्चर श्रृंखला से और हर दिन इन 25 क्वेश्चंस को तैयार करिए, क्लियर। और आज के इस लेक्चर श्रृंखला का जो आपका पहला लेक्चर है, पहले 25 प्रश्न है, उनमें पहला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया है। जब हम मध्य प्रदेश के नामकरण की बात करेंगे तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है, हृदय स्थल है, इसलिए ये नाम दिया गया है। यहां पर जवाहरलाल नेहरू की बात हुई है तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे ये देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, देश में सर्वाधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्लियर। इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था 1947 से 1964 तक। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और इनका जो समाधि स्थल है दोस्तों वो शांतिवन में बनाया है, क्लियर। राजघाट में जैसे गांधी जी का समाधि स्थल है वैसे ही शांतिवन में नेहरू जी का है। नेहरू जी को लेकर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया एग्जाम में वो है लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929 में हुआ था, क्लियर। और इस लाहौर अधिवेशन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन के तौर पर देखा जाता है कांग्रेस के। ये अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो टारगेट था, नारा था, वो भी दिया गया था। ये वही समय था जब रावी नदी के तट पर रात की 12 बजे पहली बार झंडा फहराया गया था। ये वो समय था जब 26 जनवरी 1930 को देश के पहले स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा भी की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे नेहरू जी के संबंध में। हो सकता है एग्जाम में नेहरू जी से ये फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकें क्योंकि आने वाली परीक्षाएं जो वनडे एग्जाम में वहां पर ये फैक्ट बहुत उपयोगी होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये नेहरू जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। पहला क्वेश्चन रहा जिसका उत्तर क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम दिया, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव पेशे से पत्रकार हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के और इन्होंने ही ये गाना लिखा। लेकिन अगर गायक का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा शांतनु मुखर्जी, जिनको आप शान के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये इस गाने को गाया है। तो गायक का अगर नाम पूछ ले तो शांतनु मुखर्जी और रचनाकार कौन है, महेश श्रीवास्तव जो पत्रकार है, ठीक। तो मध्य प्रदेश गान के रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। याद रखिए मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर दक्षिण में है और अगर पूर्वी जिले की बात करें तो सिंगरौली आता है, पश्चिम में अलीराजपुर है, उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर है, याद रखिए। बुरहानपुर से संबंधित अगर फैक्ट की बात करें तो यहां पर नेपानगर है। नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है। अगर बात करें बुरहानपुर की और तो केला, केला उत्पादन हो या कपास उत्पादन हो दोनों की दृष्टि से अग्रणी जिले के तौर पर देखा जाता है। बुरहानपुर में मुमताज शाहजहां की जो पत्नी रही मुमताज महल, उसकी कब्र भी यहीं पर थी, बाद में यहां से हड्डियां निकाल कर ले गए और ताजमहल में गाड़ दी थी। तो ताजमहल भी एक मकबरा है, एक कब्र है, जैसे कि बुरहानपुर में मुमताज की महल की कब्र थी वो। अगर बुरहानपुर की बात करें तो ये असीरगढ़ के किले के लिए भी फेमस रहा। असीरगढ़ का किला जो है वो बुरहानपुर में है और अकबर ने 1601 में इसको जीता था। कहा जाता है कि इसका दरवाजा सोने की चाबी से खोला गया था। किसने जीता था इसको, अकबर ने जीता था असीरगढ़ में। ये अकबर की अंतिम विजय थी, इसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की अंतिम विजय किसको माना जाता, असीरगढ़ को। और इस विजय के लिए बोला जाता है कि इस किले की जो दरवाजा है उसको सोने की कुंजी से अकबर ने खोला था। बुरहानपुर दक्षिणतम तो है ही है, याद रखना है कि ताप्ती नदी के किनारे पर बसा एक इंपॉर्टेंट शहर है और इसे दक्षिण से मध्य प्रदेश के प्रवेश द्वार के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे किसके, बुरहानपुर के दोस्तों, याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन
आयोग की अनुशंसा पर कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यह वो समय था जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद में दी थी और भारत की संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करें दोस्तों, तो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। यह वो समय था जब हमारे देश में राज्यों को पुनर्गठन करने की व्यवस्था चल रही थी। देश में 600 से ज्यादा रियासतें थीं और इन रियासतों को एकीकरण करके राज्य बनाना था। प्रारंभ में एस के धर समिति बनी, उसने रिपोर्ट दी कि प्रशासन के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन जनता ने उसको इग्नोर कर दिया। उसकी रिपोर्ट को चर्चा करने के लिए जेवीपी समिति बनाई गई, उसने भी कहा कि प्रशासन के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन जनता को कुछ और ही चाहिए था। और कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड बढ़ी। जब दक्षिण में इसको लेकर विद्रोह उग्र हो गया तो मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 को तात्कालिक नेहरू सरकार ने आंध्र प्रदेश को पहले भाषा के आधार पर बने राज्य के तौर पर स्थापित किया। जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया तो दूसरे क्षेत्रों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड की। तो उसके तहत भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए ही 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग में 3 सदस्य थे, एक थे फजल अली, दूसरे सदस्य थे के एम पणिकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इनमें फजल अली साहब इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। इस आयोग ने विचार विमर्श करके 1955 में संसद को अपनी रिपोर्ट दी और संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? 1956 में। और इसी के पास होने के साथ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश सहित 14 राज्य बने थे। इसकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये याद रखना है। जबकि फजल अली साहब ने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी, लेकिन बनाए कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ, जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। किसकी अनुशंसा पर? पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। ये पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन हाँ पहले मुख्यमंत्री के तौर पर थे। और इनका संबंध सागर जिले से, कभी कभी पूछ लेता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का संबंध किस जिले से मध्य प्रदेश के, तो सागर जिले से, ये भी याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया जी। पट्टाभी सीतारमैया जी एक गांधीवादी नेता थे। क्लियर, गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले थे, उनके आदर्शों पर चलने वाले नेता थे। गांधी जी ने 1939 के जबलपुर त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इनका नाम प्रपोज किया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। जबकि जीत कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और ये गांधी जी की एक करारी शिकस्त मानी गई थी, व्यक्तिगत हार मानी गई थी, जिसके चलते यहाँ पर समस्याएं भी हुई, विवाद हुआ। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1 मई 1939 को। तो ये वही पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित रहे हैं देश में। क्लियर, और यहीं से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियां संचालित की थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या बदलती रहती है। अभी हम देखें तो लगभग 428 के आसपास मध्य प्रदेश में तहसील है। 2021 तक तहसीलों की संख्या 424 थी, 4 नई तहसीलें बनाई और उसके बाद तहसीलों की संख्या हो गई है 428। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड प्रारंभ होता है। जब भी आप आपके क्षेत्र का पिन कोड देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 4 से शुरू होता है। जैसे इंदौर में हम जहां हैं सुदामा नगर एरिया में, यहां पर जो पिन कोड है वो 452009। तो वैसे ही 4 जो है वहां से मध्य प्रदेश के शहरों में, क्षेत्रों में पिन कोड शुरू होता है। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। बरार आज महाराष्ट्र का क्षेत्र रहा, दक्षिण में मध्य प्रदेश का हिस्सा था जब 1947 से 1956 तक की बात करते हैं। तो महाकौशल भी हिस्सा रहा, बघेलखंड,
जो पूर्वी क्षेत्र वो भी हिस्सा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश को आजादी के पहले या ब्रिटिश काल में मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसका वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस दुआउसेली, याद रखिएगा रुसर्वस दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। बारहसिंगा अपने विशेष प्रकार के सिंह के कारण इसका नाम पड़ता है बारहसिंगा, और ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में विशेष तौर पर मिलता है, दलदली क्षेत्र में रहने के लिए जाना जाता है। ये वो समय था 1930 में जब कान्हा किसली को एक अभयारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था, बहुत ज्यादा इसका शिकार होता था और कहीं ना कहीं संकट में आया, तब ब्रिटिश समय में ही कान्हा किसली वाले क्षेत्र को इसके संरक्षण क्षेत्र के तौर पर घोषित करके इसका संरक्षण किया गया था। तो ये विशेष तौर पर कहां कान्हा किसली में आपको दिखाई पड़ता है ज्यादा, है ना, हिरण की एक प्रजाति है बारहसिंगा, ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? जब मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो दूधराज, दूधराज को शाहे बुलबुल भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, याद रखिएगा पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका वैज्ञानिक नाम है, और बहुत सुंदर पक्षी है, गर्दन तक काला कलर होता है और बाकी पीछे सफेद होता है, लंबी सफेद सी पूंछ होती है, क्लियर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी है दूधराज, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए इसकी विशेषताओं के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय पक्षी बनाया है। और एक बात और याद रखें, 1981 में जब मध्य प्रदेश राज्य की 25वीं वर्षगांठ थी, और इस समय जब मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जो रहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इस समय मध्य प्रदेश के समस्त प्रतीकों को अपनाया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में प्रतीकों को कब अपनाया गया था, तो बताएंगे 25वीं वर्षगांठ पर 1981 में अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्त, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, क्लियर। लोकसभा में जो सदस्य संख्या वो जनसंख्या के अनुपात में होती है, और मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा में जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सीटें, कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। ये सीटें अगर हम 1956 तक बात करें, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो तब इन सीटों की संख्या थी कितनी, तो याद रखिएगा ये थी 288, क्लियर। और जब 1976 तक हम जाते हैं, तो 1976 तक इनकी संख्या हो गई थी 296 के आसपास, और जब हम 1999 तक जाते हैं तो इनकी संख्या हो गई थी लगभग 320 के आसपास। लेकिन 1999 के बाद बात करें तो यहां पर 1 नवंबर सन 2000 से 26वें राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और इस मध्य प्रदेश में 16 जिले और 3 संभाग जो है मध्य प्रदेश के वो कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, जिसके बाद विधानसभा की सीटें जो रही उनको भी संशोधित किया गया, और 1 नवंबर सन 2000 के बाद से मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ दिनों पहले तक आप क्या करते थे, इसको 230 प्लस 1 करते थे, ये 1 जो होता था ये एंग्लो इंडियंस को बताता, क्लियर, आंग्ल भारतीय को, तो ये व्यवस्था खत्म कर दी गई, तो 230 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो याद रखिए 230 सदस्य है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। आगामी नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो वो चुनाव कितनी सीटों के लिए होंगे, 230 सीटों के लिए होंगे, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या, क्वेश्चन को समझना है, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 11 सदस्य राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखेंगे। राज्यसभा क्या है, तो देश में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से अडॉप्ट की गई है भारत में, और संसदीय शासन प्रणाली में हमारे देश की संसद सर्वोच्च है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, एक तरफ लोकसभा होती है, एक तरफ राज्यसभा होती है, और जो राष्ट्रपति होता है वो भी संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, और राज्यों की अलग अलग संख्या सदस्यों के निश्चित है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मध्य प्रदेश के कितने सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं जो राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं कितने जिले हैं? जब मध्य प्रदेश में संभाग की और जिलों की बात की जाती है तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। ठीक है, 10 संभाग और 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल है 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। क्लियर, इसमें भी थोड़ा संशोधन की जरूरत है, लेकिन हाँ मान सकते हैं लगभग इतना। 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना था, उसके पहले के मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग इतना था। वर्तमान मध्य प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल 30,82,52 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, याद रखिएगा। और अगर भारत का क्षेत्रफल पूछ ले तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है इसमें, 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? जब ये क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे 43। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग बनाए गए थे और 43 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, जबकि वर्तमान में अगर बात कर लें तो 52 जिले। क्लियर, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने, 52 जिले हैं, लेकिन स्थापना के समय कितने थे, 43 जिले थे और 8 संभाग थे। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो याद रखिएगा जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निवाड़ी के नया जिला बनने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 52 हो गई है। निवाड़ी मध्य प्रदेश में 52वें जिले के तौर पर स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। याद रखिएगा जब मध्य प्रदेश बना था तो 8 संभाग थे। 1 नवंबर सन 2000 तक के पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में 12 संभाग हो गए थे, लेकिन जब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बन गया तो 3 संभाग वहां चले गए, तो मध्य प्रदेश में 9 संभाग बने थे। 2008 में शहडोल को नए संभाग के तौर पर बनाया 10वें संभाग के तौर पर, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी और अंततः 26 नवंबर 1972 तक ये जिले के तौर पर स्थापित हो गए थे। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश में 1972 में भोपाल जो है उसको सीहोर से, क्योंकि सीहोर पहले केंद्र हुआ करता था, और जो दुर्ग क्षेत्र था दुर्ग से राजनांदगांव को अलग किया गया था, और मध्य प्रदेश में जो 43 जिले थे वो दो जुड़ने के बाद 45 हो गए थे। मतलब 1972 में भोपाल और राजनांदगांव बनने के बाद जो जिलों की संख्या है वो 45 हो गई थी। राजनांदगांव जो था वो दुर्ग से अलग हुआ था और भोपाल जो है वो सीहोर से अलग हुआ था। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में मध्य प्रदेश के केंद्र के तौर पर, राजधानी के तौर पर किसको माना जाता था? तो सीहोर जो था वो केंद्र के तौर पर स्थापित था 1972 के बाद, भोपाल के अलग जिले के तौर पर स्थापित थी और बाद में इसको राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, 15 अगस्त सन 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो जब अशोकनगर की बात करेंगे तो याद रखें गुना से अशोकनगर को अलग किया गया था और नया जिला बनाया था। सन 2003 में 3 नए जिले बने थे, याद रखेंगे, एक गुना से अशोकनगर और दूसरी बात करें तो शहडोल से अनूपपुर एक नया जिला बनाया था, और खंडवा जो है यहां से बुरहानपुर जो है एक नया जिला बनता है। तो ये 3 जिले आप लोगों को देखने को मिलते हैं कब, 2003 में 15 अगस्त को। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, गुना। अशोकनगर जो है वो किससे, गुना से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था? तो याद रखिएगा सिंहदेव समिति बनाई गई थी इस समय, और इस समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई थी। याद रखिएगा जब सिंहदेव समिति ने अपनी सिफारिश की तो 30 जून 1998 को 6 नए जिले बने, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, लगभग 61 जिले हो गए थे, और इस समय 12 संभाग भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और सीएम जो थे मध्य प्रदेश के वो थे दिग्विजय सिंह। क्लियर, तो यहां 61 जिले जो है वो दिखाई पड़ते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहां पर एक और समिति दिख रही, दुबे आयोग, इसके अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए थे 1998 में। क्लियर, और ये दुबे कमीशन जो बना था वो 1982 में बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी किस तारीख से अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 को जो निवाड़ी है उसको टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था,
और निवाड़ी जो है वो अब सबसे छोटे जिले के तौर पर स्थापित है मध्य प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। क्लियर? तो निवाड़ी टीकमगढ़ में बोल सकते हैं कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, नया जिला है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला रहा। फिर है अलीराजपुर एवं सिंगरौली जिलों का निर्माण कब किया गया था, तो अलीराजपुर और सिंगरौली जिलों का निर्माण किया गया था 2008 में 17 मई को। 2008 में दो नए जिले बने थे, है ना, एक था झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। तो अलीराजपुर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है 17 मई को, और सिंगरौली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है 24 मई को। तो 24 मई और 17 मई को दो नए जिले बने, सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर। क्लियर? और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक एक करके जिलों की संख्या बढ़ती चली गई और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित पहले 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। ऐसे ही हम एक के बाद एक अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस लेक्चर श्रृंखला से जुड़े रहिए, लगातार इन लेक्चर्स को देखते रहिए, और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और आने वाली परीक्षाओं में उनका भी स्कोर बेहतर हो सके। क्लियर दोस्तों? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।